देखा मतलब अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज स्क्रीन और कैमरा क्लियर है आप सबका? मुझे चैट बॉक्स के अंदर आ गया, आप लोगों ने बताना है तो क्या आपको आवाज स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें बिल्कुल सही नजर आ रही हैं, सही दिखाई दे रही हैं और सही सुनाई दे रही हैं? आवाज स्क्रीन और कैमरा, नीड अ क्विक फीडबैक ऑन दिस। डन, शुरू करते हैं। हनी को हम लोगों ने बात करनी है ऑन पोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेशन फॉर द पेपर बिजनेस लॉ। नाउ आई कैन सेफली अज्यूम के हमारे इस बैच के अंदर दो तरह के स्टूडेंट्स पाए जाएंगे, एक वो जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हुए हैं और फेल होने के बाद दे हैव ऑप्टेड के भाई नहीं, अब बी लॉ को थोड़ा सा सीरियसली हम लोगों ने स्टडी करनी। फिर एक वो बच्चा है जो कि अभी अभी पीआरसी क्लियर करके हमें ज्वाइन कर रहा है बी लॉ के अंदर। तो सर दो तरह के ऑडियंस हमारे दरमियान मौजूद हो सकती है, बी लॉ फेलियर वाली भी, या जिसने बी लॉ को फर्स्ट टाइम पे करना हो, चाहे वो कैफ की स्ट्रीम से हो चाहे वो पीआरसी से निकल के कैफ में एंटर हो रहा हो। दोनों के लिए आइडिया सेम है, दोनों के लिए बातें सेम है, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट भी सेम है, क्योंकि हम लोगों ने अल्टीमेट आज बात करनी है इस पेपर के बारे में और ये देखना है कि नॉर्मल इस पेपर के अंदर क्या क्या रीजंस फॉर फेलियर है और हम कैसे इन तमाम चीजों को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। माइंड यू कि ये कैफ स्ट्रीम का अभी तक का छोटा भी और इतना अच्छा पेपर है कि आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं, और जब कोई पेपर आसानी से पास किया जा सकता है तो वो पेपर आसानी से फेल भी किया जा सकता है। ये एक बड़ी मजे की बात होती है, यानी कि आप जिस पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं आप उसी पेपर में आसानी से फेल भी हो सकते हैं। तो सर बिजनेस लॉ के बारे में हम लोगों ने आज बात करनी है, इसके बारे में जो मिथ्स हैं उसको हम लोगों ने तोड़ना है ताकि चीजों को सही डायमेंशन में लेके जाया जा सके। तो फर्स्टली आई वेलकम यू अबोर्ड इन दिस फ्लाइट जो कि आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और अभी मैं आपसे प्लानर भी शेयर करूंगा जिसमें आपकी जो एंडिंग टाइम है वो लिखी होगी, किस दिन क्या होना है, क्या टेस्ट होना है, उस सारी बातें अभी हम उस प्लानर के अंदर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सर कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने आज देखनी है कि सर हमारा एजेंडा क्या होगा, हम लोगों ने क्या क्या बातें करनी है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इश्यूज, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, आईकैप का पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस आउटलाइन क्या है, पास्ट पेपर्स के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या एनालिसिस है, सक्सेस किस तरह हासिल करनी है, क्लासेस का मोड किस तरीके से होगा, ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स, सारी बातें हम करेंगे बी लॉ के माइंडसेट को सामने रखते हुए ताकि बच्चा आसानी से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सके और पास भी कर सके। तो सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इश्यूज डू वी हैव इन दिस पेपर, व्हाट इश्यूज डू वी हैव इन दिस पेपर। सबसे पहले चीज के बच्चे इसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि इट इज अ वे टू इजी गेम, बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही आसान है, एक हलवा पेपर है और आप उसको आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। और अगेन जितना पेपर ये आपको हलवा लगता है, इजी लगता है, उतना है नहीं।
इन अ सेंस कि आपको पता है कि भाई ये पेपर एमसीक्यू वाला है, फिर इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ केस स्टडीज आती हैं, एमसीक्यूज भी पंद्रह नंबर के होते हैं, तो मैं आसानी से पास कर सकता हूँ। मगर भाई आप लोग भूल जाते हैं कि एक एक नंबर के लिए आपको ड्यू एफर्ट करनी पड़ती है। तो आज की क्लास का मतलब, आज की जो क्लास का मेन मकसद है वो यही है कि हमने प्लानिंग इम्पोज करनी है, हमने एक डायरेक्शन बनानी है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसके चलते हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने कभी भी अपने दुश्मन को इजी नहीं लेना, कभी भी उसके साथ हल्का सलूक नहीं करना कि भाई ये पेपर जो है आसानी के साथ पास हो जाएगा, आगे पास। तो ये चीजें कुछ समय देख लेंगे। फिर रिटेंशन, रिटेंशन अगर आप लोगों ने रखनी है तो उसके लिए आपको क्लासेस डेली बेस पर ज्वाइन करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करेंगे, शुरू में एक दो हफ्ते आएंगे लाइव क्लास के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग्स पे हल्का हल्का शिफ्ट होते 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 एक टाइम वो सिर्फ और सिर्फ लाइव रजिस्टर पे लेकर आना है, अपने रजिस्टर पे उतारना और फिर कुछ लिखे हुए से याद करना। क्योंकि जब आप अपने लिखे हुए से याद करेंगे तो यकीन मानिए साइंस ये प्रूफ कर चुकी है, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि अपना लिखा हुआ आपको काफी टाइम तक याद रहे। इवन अगर आपने एक लाइन भी लगाई हो ना, तो आप अगर आज से महीने बाद भी वो कागज देखें तो आपको फौरन से याद आएगा कि ये लाइन मैंने क्यों लगाई थी, कब लगाई थी, किस लिए लगाई थी। अपना लिखा हुआ रिकॉल करने के लिए बहुत आसान है एज कम्पेयर टू किताब की मशीनी लैंग्वेज, वो जो कि आपकी नहीं है, इतनी फेमिलियरिटी नहीं है आपकी उसके साथ, तो वो चीजें आपको रिकॉल नहीं करवाती है। तो क्लास नोट्स बनाना जरूरी है और घर में भी नोट्स बनाएं और उस नोट से याद करें। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रिटेंशन पावर। फिर आईकैप के अंदर एक सेकेंड, नहीं अब बताइएगा, अब आवाज क्लियर है आप सबको? जी तो नेक्स्ट क्या है कि सर हमने इस पेपर को आसान भी नहीं लेना और हमने इसके अंदर रिटेंशन बरकरार रखनी है। वो कैसे कि हमने अपने लिखे हुए से चीजों को याद करके चलना। देन द मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैप की क्वेश्चन हैंडलिंग किस तरीके से करनी। आईकैप के सवालों को हम लोग क्लास के अंदर भी अटेम्प्ट करेंगे और जहां पॉसिबल हुआ मैं आपको इसकी एडिशनल प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्लास लेक्चर रिकॉर्डिंग्स। तो आईकैप के सवालों की हैंडलिंग, किस तरह के सवाल आते हैं, कितने सवाल होते हैं, सवालों को किस तरीके से डील करना है, क्या स्टेप्स हैं, वो सारी बातें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने इस कोर्स में कर रहे होंगे। फिर आप लोग आते हैं AFC से PRC से और आप लोग वो बच्चे होते हैं जो कि तकरीबन आसान एक प्लेटफॉर्म से निकल आए हैं। की तरह इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, क्या इतना मुश्किल नहीं है लेने। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई 18 चैप्टरों में से बस ये काम आपने नहीं करना, डू नॉट गो फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट्स, किसी भी तरह के कोई भी शॉर्टकट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आईकैप है, वो कुछ भी कर सकता है। वो आईकैप है, किसी भी मार्क्स का सवाल, किसी भी तरह का सवाल वो टेस्ट कर सकता है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। यस, उसने एक ग्रेड आपको दिया है और वो अपने और
आपने इस पेपर को इजी नहीं लेना, रिटेंशन पावर बरकरार रखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे कैसे करनी है वो हम साथ साथ उसको डिस्कस कर रहे होंगे, AFC PRC वो सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। सर नेक्स्ट, बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे? अब इसमें मेरा एक इख्तलाफ आता है आईकैप की बुक के साथ। आईकैप ने क्या किया हुआ है, अपनी बुक के अंदर बिला वजह के सवालों को ऐड किया हुआ है, बिला वजह की एग्जांपल्स को ऐड किया हुआ है, कंटेंट बहुत थोड़ा है मगर उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नहीं दो नहीं 10 10 12 12 सिर्फ एग्जांपल्स उठा के ऐड कर दी। तो जब आप आईकैप की बुक को देखते हैं तो आप नॉर्मली परेशान नहीं होते हैं कि सर इसमें से याद क्या करना है, समझ तो आ रही होती है, वो बुक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा देती है मगर आपको ये नहीं बताती कि कितना याद करना है और कहाँ से याद करना है। तो सर उसका एक इलाज ये है कि जो हमारी अपनी किताब है बिजनेस लॉ मेड इजी का 12th एडिशन, वो इस वक्त सॉफ्ट फॉर्म के अंदर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लग चुका है और मार्केट में अवेलेबल भी है, आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल बाय कर लें। दिस इज ऑल फ्रॉम बुक्स टू फॉलो। सर हमारा कोर्स कैजुअल क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हमारा कोर्स कैजुअल। सर आज है 6 तारीख और आज है सोमवार का दिन, मंडे का दिन, और सामने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑन ओवरऑल ओरिएंटेशन। एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये पोस्ट बैच तो है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्पीड को तेज कर देंगे। नॉर्मली जो चैप्टर जितने टाइम में प्री में कवर होता है उतने ही दिन मैंने यहाँ पे अलॉट किए हैं। फर्क ये आता है कि आपकी क्लास है 5 days a week, मंडे ऑफ होगा, और जो प्री है वो कभी 4 days पे होता है कभी 5 days पे होता है। तो परेशान नहीं होना, इसका सिलेबस ऑलरेडी इतना कुछ ज्यादा हैवी नहीं है तो कम टाइम में हम उसको बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमने हर चैप्टर को ड्यू वेटेज दी, जिससे आप देखें तो चैप्टर नंबर 2 को हम लोगों ने फुल फर्स्ट वीक दे दिया, चैप्टर 3 को फुल नेक्स्ट वीक दे दिया है, चैप्टर 8 को जो कि वो 1 पेजर है उसको 1 दिन दे दिया है, 5 को 2 दिन, 9 को 2 दिन, 10 को 2 दिन, 7 को 3 दिन, 6 को 3 दिन, 4 को तकरीबन पूरा हफ्ता, 11 12 को पूरा हफ्ता, 13 को 1 वीक। तो ये थॉरो स्केड्यूल है जो कि किसी भी तरह से किसी भी चैप्टर के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं कर रहा, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्केड्यूल को हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर इसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए चलना है। और जो हमारा सिलेबस है वो कब खत्म हो जाएगा? सर हमारा सिलेबस खत्म होगा कंटेंट वाइज 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को आप मेरी तरफ से आजाद होंगे, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते रहेंगे आपकी, और टेस्ट आपका हुआ करेगा हर मंडे। मंडे विल ओनली बी टेस्ट डे, इसमें हम कोई क्लास नहीं रखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी टेस्टिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर आपकी टेस्टिंग की ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के हमारे 16 टेस्ट बन रहे हैं मॉक के अलावा। अच्छा, इस 16 टेस्ट के अंदर 2 ग्रैंड टेस्ट भी शामिल हैं, फिर कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, कुछ मिड्स हैं, एक मॉक होगा। तो एक थॉरो स्केड्यूल आपके लिए अवेलेबल है अगर आपने ये पेपर डेडिकेटेड वे में पास करना। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन दिस पेपर आपको अपने तौर पे एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने तौर पे चीजों को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा अगर आपने वाकई में ये पेपर निकालना है। थोड़ी सी एफर्ट आप करेंगे, कुछ एफर्ट मैं करूंगा, जो कहूंगा अगर आप उसको परस्यू कर लें, अगर आप उसको मान लें तो चीजें सबके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आपका ये पेपर पता भी नहीं चलेगा और आप आसानी इसको पास कर लेंगे। सर पेपर पैटर्न के बारे में सुन लें, 100 नंबर का पेपर है और इस 100 नंबर के पेपर में हमारे पास 2 हिस्से हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप। सर ऑब्जेक्टिव है 15 नंबर का और सब्जेक्टिव है 85 मार्क्स का। फिर उस 85 मार्क्स के अंदर भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक 40% और एक 60%, यानी कि 40% नॉलेज बेस्ड, यानी कि 40% का पेपर आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, 40% का पेपर आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और 60% का पेपर आता है लॉजिकल।
अगर हम निकालें 85 का 40% क्या होगा, जरा निकाल के बताइए 85 का 40% क्या होगा, 85 का 40% क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइए व्हाट इज 40% ऑफ 85? गालिबन 39, 34, 34। तो इसका मतलब है कि 100 में से 34 नंबर का पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जिसमें आके आप कहेगा भाई इसको बता दें, ये पांच बातें बता दें, ये एक्सेप्शंस बता दें, इसको डिफाइन कर दें। तो 30 से 34 नंबर का पेपर होगा बिल्कुल सीधा साधा क्रैमिंग बेस्ड, जो कि आपकी अच्छी तैयारी के साथ आप उसमें से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर लॉ के पेपर में कामयाब होना है प्यारे बच्चों, तो आपको ये गुण सीखना पड़ेगा कि आप कैसे इजी मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप आसान नंबर हासिल करने में मुश्किल हो रही है आपको, तो फिर ये पेपर मुश्किल बन सकता है। तो जो आसान नंबर है उसको हम लोगों ने पहले ग्रास्प कर लेना, फिर तो जो बाकी है वो है आपका नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस, लॉजिकल, केस स्टडीज वाला। उसको हम साथ साथ जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर्स की, तो हम हर चैप्टर के एंड के ऊपर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि यहाँ से क्या चीज लॉजिकल है, क्या चीज एप्लीकेशन बेस्ड है, क्या चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो थिंग्स विल बी मूविंग लाइक दिस। जी जी 51, 34 और 15। तो तकरीबन हाफ ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम लॉजिकल साइड। सर सिलेबस क्या है ये भी सुन लें। चार एरियाज हैं, चार ग्रिड्स हैं। ग्रिड ए में बेसिकली आई कैप कहता है कि एक सिंगल चैप्टर दूंगा, चैप्टर वन, और तुम्हारे पास 5 से 8 नंबर तक की वेटेज होगी। तो चैप्टर वन 5 से 8। फिर ग्रिड बी के अंदर मेरे पास हैं 4 चैप्टर्स 2, 3, 4, 5। तो यहां से आई कैप ने कहा 20 से 25। फिर ग्रिड सी मेरे पास 5 चैप्टर्स लेकर आता है और यहां से है 25 से 30। तो ग्रिड ए 5 से 8, फिर ये है 20 से 25, ये है 25 से 30, और नीचे है हाफ ऑफ द पेपर 35 से 52, जिसमें से आई कैप नॉर्मली 40 से 45 मार्क्स तक की टेस्टिंग कर रहा होता। ग्रिड बी और ग्रिड सी ये मिला के, अगर मैं इसको मिला दूं इन दोनों ग्रिड्स को, तो ये कहलाती है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहलाती है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ग्रिड डी के अंदर उसके अलावा सारे बिजनेस लॉज हैं। अब इसमें पार्टनरशिप भी आती है, जिसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 14, 15, और फिर ये 3 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के अंदर 2 डिफरेंट लॉज हैं, जो कि आईकैप बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो 6 लॉज यहाँ पे हैं, एक ये है और एक ये, 6, 7, 8, 8 और एक कॉन्ट्रैक्ट 9 और एक लीगल सिस्टम, 10 लॉज हैं कुल मिला के आपके कोर्स में, 10 लॉज हैं कुल मिला के आपके कोर्स का पार्ट। आईकैप क्या अपनी ग्रिड को फॉलो करता है? ये एक सवाल हमेशा बच्चों के माइंड में होता है, तो सर क्यों परेशान होते हैं जब भाई हाजिर है। जब से न्यू स्कीम आई है, यानी कि स्प्रिंग 2022 ऑनवर्ड्स, आईकैप ने बहुत रिगरसली अपनी ग्रिड को फॉलो किया है। आईकैप कहता है ग्रिड ए चैप्टर वन में से 5 से 8% देख लें, 6, 6, 7, 6। आईकैप ने कहा था 5 से 8, तो 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर। फिर बीस से पच्चीस कहा था, 25, 25, 24, 23, 29, 31 का नंबर दिया था। जो ग्रेड डी है 35 से 52, सिर्फ 44, 39.5, 38 और 40 का है, और अपनी ग्रेड को भी 100% कंप्लायंस में रखता है, ताकि बच्चा अगर उस ग्रेड के मुताबिक चीजों को तैयार करके आ रहा है तो वो परेशान हो। दिस इज ऑल फ्रॉम द ग्रिड्स एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है, ये सर इतना जरूरी है कि
नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस हैं वो कैसी होंगी? सर ये लाइव क्लास हुआ करेगी जूम के ऊपर, जितना भी आप लोग आ जाए हुए, और 5 डेज अ वीक होगी, मंडे विल बी द टेस्ट डे, और स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसी तरीके से आपको जूम का लिंक शेयर होगा, आप क्लास में आएंगे, आई विल बी डिलीवरिंग द लेक्चर, आई विल बी इंश्योरिंग द पास्ट पेपर्स, और उसके साथ आपके सवाल को मैं यहाँ पे भी एड्रेस कर रहा, और साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर जो व्हाट्सएप सपोर्ट है वो भी आपको साथ साथ ही मिल रही होगी। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। प्लीज कीप इन माइंड के इन ऑर्डर टू पास दिस पेपर आपका लाइव आना बहुत जरूरी है, आपका क्लास में बैठना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिकॉर्डिंग्स के लिए अगर आए हैं तो फिर आप अपने लिए खुद ही मुश्किल पेश कर रहे हैं। तो सर रिकॉर्डिंग्स के लिए नहीं आना, आना है तो लाइव आना है, और लाइव आके अच्छे तरीके से चीजों को कवर करना। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है बच्चों? अल्टीमेट टारगेट है कि हमने आई कैप का एग्जाम पास करना है, हमने इस पेपर में परमानेंट क्रेडिट लेकर आना है। तो उसके लिए स्टेप वन क्या है कि आपने डेली क्लासेस को अटेंड करना है, और आपने उसको रजिस्टर्ड भी उतारना है, उससे अपने माइंड नर्व्स बनाने हैं, अपने सवाल पूछने हैं लाइव क्लास के अंदर चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप के अंदर भी, वीकली टेस्ट देने हैं, असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करनी है, और टाइमली बेस के ऊपर रिवीजन करनी है। देन ये स्टेप्स आपको आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। हम लोगों ने आज का जो टारगेट था ओरिएंटेशन का वो खत्म किया। नाउ द फ्लोर इज ओपन, कोई सवाल आपका बताइए। जी कोई सवाल है? अगर है तो मुझे बताएं। ठीक है जी, बच्चों ने कहा सर कोई सवाल नहीं है, क्लास को एंड करते हैं। तो ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं। हम लोगों ने डे वन ओरिएंटेशन पूरी कर दी है, कल मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।